हेलो गाइस, ये नीड फॉर स्पीड क्रिप्टो एडिशन। और इसमें आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि डुअल रिकॉर्डिंग कैमरा कैसे ऑन करना है, प्लस इसमें रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने कैमरा एज इट इज़ इंस्टॉल कर लिया है, और मैं जैसे ही लगा रहा हूं तो आपको ब्लैंक दिखने को मिल रहा है। आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, बैक कैमरा पे क्लिक करना है, रियर फ्रंट है इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी कैमरा का रिजोल्यूशन होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। फ्रंट का 720x2500 FPS और रियर का भी, दोनों को सेम करने के बाद प्लेयर को रिस्टार्ट करेंगे। अब आपको करना क्या है, सेटिंग होने के बाद जब प्लेयर रिस्टार्ट हो जाए, HD2 स्ट्रीमिंग का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर का कैमरा देखने को मिलेगा। और अब रिकॉर्ड करने के लिए आपको पेन ड्राइव कैसे लगानी है, आपको सबसे पहले आपको पेन ड्राइव लगा लेनी है। लगाने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, DVR ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो सेव लोकेशन, यदि आपको पेन ड्राइव में सेव करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इसे पेन ड्राइव लगाएंगे वहाँ पे आपको रेड कलर का ब्लिंक देखने को मिलेगा, जैसे ही मैंने पेन ड्राइव लगाया यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा पेन ड्राइव में। और आप रिकॉर्डिंग टाइम जितना भी रखना चाहते हो, 1 मिनट आपको इसमें मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है जिसलिए सेटिंग नहीं हो पा रहा, मैं अभी इसे ऑफ कर ले रहा हूँ। DVR टाइम सेट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग टाइम। एक मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप जो भी रखना चाहते हो, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपका ये लूप में रिकॉर्डिंग होगा और डाटा हमेशा सेव होते ही रहेगा। इस तरह से आप नीड फॉर स्पीड प्लेयर में फ्रंट एंड रियर DVR कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो और पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर सकते हो। थैंक यू।